सॉल्व आउट हो चुका है। अगर आपको जानना है इस पेड़ में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इसमें फ्रूट नहीं बन रहा था, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में शेयर किया है इसके बारे में। और मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये वाले चीकू, इतने साल से ये चीकू का पेड़ है मेरे पास, लेकिन इसके फल बड़े नहीं हुए। हाय ऑल, 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपने सारे चीकू के प्लांट जितने मेरे टेरिस पे है वो शेयर किया था। तब मैंने बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी की थी और आज भी मैं आपको अपडेट दे रही हूँ अपने चीकू प्लांट्स का कि कितने बल्क में अभी भी उसमें चीकू लगे हैं। तब से हम 2 महीने से इसमें से हार्वेस्ट लिए जा रहे हैं चीकू में, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो चीकू के प्लांट में बहुत ज़्यादा चीकू लगे हैं। ये एक गुच्छे में ही अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 से 12 चीकू लगे हैं। बहुत अच्छी इसमें हार्वेस्टिंग हो रही है। पत्ते अगर आप देखेंगे तो थोड़ी हल्की बारिश हुई थी कल परसों 2 दिन, तो बहुत अच्छे हो गए हैं। पत्तों का कलर कितना बढ़िया हो गया है देखें। और इसमें अभी नए फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, तो जब तक हम ये फ्रूट्स हार्वेस्ट करेंगे, जब तक ये बड़े होंगे, तब तक ये फ्लावर्स भी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वाले में पहले फ्रूट नहीं बन रहा था, मैंने इसका वीडियो उस टाइम पे शेयर किया था, तब रीज़न भी बताया था, लेकिन अभी देखेंगे तो ये पूरा प्रॉपर तरह से सॉल्व आउट हो चुका है। अगर आपको जानना है इस पेड़ में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इसमें फ्रूट नहीं बन रहा था, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में शेयर किया है इसके बारे में। और मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये वाले जो चीकू, इतने साल से ये चीकू का पेड़ है मेरे पास, लेकिन इसके फल बड़े नहीं हो रहे थे। इस वजह से मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इसका जो चीकू है वो हल्का सा लंबे साइज़ का है, एकदम क्रिकेट बॉल, बाकी जितने हैं वो सारे क्रिकेट बॉल वैरायटी के हैं, लेकिन ये वाला जो चीकू है ये हल्का सा लंबे साइज़ का है। उसके बाद ये वाला चीकू का प्लांट है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो सारे चीकू के प्लांट मेरे सिर्फ वो ब्लू वाले को छोड़कर बाकी जितने हैं वो सारे यही 16 इंच वाला जो मिट्टी का गमला आता है उसी में लगा है। इसमें भी देखेंगे आप तो बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। हर जो बंच है, न्यू बंच, जैसे आम में होता है नए पत्तों के साथ फ्लावरिंग आती है, नए पत्ते आते हैं फिर फ्लावरिंग आती है, तो उसी तरह से कुछ है इसमें। देखें नए पत्ते आए हैं, कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग आ रही है। अगर आप फ्रूटिंग में आपको दिखाऊं तो इसमें भी बहुत बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है। हर जगह आप देखेंगे इस पेड़ पर तो फ्रूट्स बने हैं। इसका साइज़ मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितने बड़े साइज़ का हो गया है ये फ्रूट। ये बिल्कुल तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए, ये खींचते ही बिल्कुल हाथ में आ गया, ये बिल्कुल तैयार है। कितने अच्छे साइज़ का ये फ्रूट है, बहुत चीकू इसमें भी लगे हैं यहाँ देखें। उसके बाद ये वाला चीकू का पेड़ है, ये वाला, इसमें जो है बहुत सारे चीकू लगे थे बट हमने हार्वेस्ट कर लिया। अभी कुछ एक चीकू ही है जो इसमें लगे हुए हैं, इसमें भी कुछ चीकू हैं जो अभी लगे हैं, बाकी इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि अभी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों एक साथ हो रही है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये रहा, तो क्योंकि इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों साथ में हो रही है इसीलिए मैंने अभी इनको बहुत अच्छे से एक फर्टिलाइज़र दिया है, और वो है वर्मी कॉम्पोस्ट, क्योंकि गोबर की अभी खाद मेरे पास 2-3 महीने पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो मैंने इनको नहीं दिया और मैंने इनको दे दिया वर्मी कम्पोस्ट। तो 1 महीने पहले मैंने इनको वर्मी कम्पोस्ट दिया है क्योंकि इनमें अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों हो रही है, तो इनको थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने अभी इसको 1 महीने पहले फर्टिलाइज़र दिया है। उसके अलावा अभी तक मैंने इनको ऐसा कुछ नहीं दिया है स्पेशल। और ये वाला जो प्लांट है, ये वाला मैंने कट किया था इसकी कैनोपी मैनेजमेंट करने के लिए क्योंकि ये बहुत टॉल था, उसका वीडियो भी शेयर किया था। तो आप देखिए इसमें बिल्कुल नए नए पत्ते आ गए हैं बहुत सुंदर से, और फ्लावरिंग भी हो रही है। इस प्लांट में अभी कोई फ्रूट नहीं है क्योंकि बिल्कुल काट दिया था मैंने इनको ऊपर से, बिल्कुल इसको सारे टॉप को मैंने ट्रिम करके एकदम इसको छोटा कर दिया था, और अभी इसमें नए पत्ते भी आ गए हैं और बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। ये वाला जो प्लांट है इसमें भी बहुत चीकू लगा है, फ्लावरिंग भी हो रही है। ये वाला जो चीकू है ये बिल्कुल तोड़ने वाले साइज़ का हो गया है, ये देखें कितनी अच्छी साइज़ है चीकू की। तो एक बार मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ पर और देखें ये वाला चीकू, देखें सारे जो चीकू हैं ये बहुत अच्छे साइज़ के चीकू लगे हैं, इसमें भी बहुत सारी फ्रूटिंग हो रही है। उसके बाद आता है ये वाला चीकू का प्लांट, इस प्लांट में भी बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग है, देखें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, छोटे फ्रूट्स, बड़े फ्रूट्स सब एक साथ हो रहे हैं। ये छोटे फ्रूट है, साथ में फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ ऊपर भी देखें, वो शायद तोड़ने वाला हो गया है बट ये वाला भी मुझे लगता है तोड़ने जैसा हो गया, और 1 हफ्ते बाद शायद इसको तोड़ सकते हैं हम। इस वाले में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, बहुत बढ़िया, देखें
और ये जो ब्रांच है ये भी इसी पेड़ की है, पर ये यहाँ जस्ट सपोर्ट ले रही है, एक देखें इस तरह से गिर रही है तो इसको सपोर्ट दिया है यहाँ से। इसमें भी देखें कितने चीकू लगे हैं, इसको थोड़ा सहारा देते हैं। और इस वाले पेड़ पे तो मैं कंटिन्यू, हम लोग हार्वेस्ट ले रहे हैं, तब भी मैंने हार्वेस्टिंग दिखाई थी इसकी, इसमें बहुत अच्छे चीकू बन रहे हैं, बड़े बड़े साइज़ के, इसमें तो खूब सारे लगे हैं एक साथ। अब इनमें काफ़ी महीनों तक चीकू बनते रहेंगे, फ्लावर आते रहेंगे, हर जगह अगर आप देखेंगे पेड़ पर तो चीकू लगे हैं। मैं थोड़ा दूर से इस पेड़ को आपको दिखाती हूँ, तब आपको पता चलेगा कितने अच्छे इसमें फ्रूटिंग हो रही है। देखिए पूरा जो पेड़ है उससे हम 2 महीने से कंटिन्यू फल तोड़ रहे हैं, उसके बाद इसमें इतने फल अभी हैं, और जो प्लांट है वो पूरा फ्लावरिंग पे है। ये देखिए जो पूरा प्लांट है वो फ्लावरिंग पे है हमारा, यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू है। जब तक मैंने फ्रूटिंग प्लांट लगाना स्टार्ट नहीं किया था, तब तक मुझे भी नहीं लगता था कि छत पर इतना अच्छा फ्रूटिंग प्लांट हम लोग लगा सकते हैं, बट जब मैंने लगाया इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला, तब मुझे इस चीज़ का पता चला कि फ्रूटिंग प्लांट्स भी हम छोटे पॉट में भी इतनी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं शेयर करती हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप जो वीडियो में दिखाते हो इतने फल लगे हैं तो क्या गमलों में फल लग जाते हैं, और सिर्फ वीडियो में ही नहीं जान पहचान वाले भी बोलते हैं आपके गमले में कैसे फल लग जाते हैं, गमलों में क्या फल लगते हैं। तो मैं ये दिखाती हूँ कि देखिए ये वाला चीकू का प्लांट पहले पॉट में था, और अभी कुछ टाइम पहले, शायद सेकेंड ईयर चल रहा होगा जब इसको हमने ऐसे ये फेंस के अंदर लगाया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी एक भी चीकू नहीं है। और बस से मैंने इसको शिफ्ट किया है, इसमें मुझे 1 या 2 ही चीकू मिले हैं, तो प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन ऐसा होता है कि जो पॉट में प्लांट है मुझे वो ज़्यादा केयर करने में ईजी लगता है, और जो ज़मीन में है बहुत ज़्यादा उसकी केयर नहीं हो पाती। मेरे गमले में है वो दिखने में भी ज़्यादा सुंदर है, हेल्दी भी है, और फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं ज़मीन के जो प्लांट है उसके मुकाबले। शायद फर्टिलाइज़र वगैरह या उसकी मेंटेनेंस, उसके कैनोपी मैनेजमेंट सब हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है एक बहुत अच्छा पॉइंट है। गमले में हम फ्रूटिंग प्लांट वगैरह आराम से लगा सकते हैं अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। थोड़ा अगर आपको लगता है इसमें पेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, या सफ़ेद सफ़ेद पत्ते हो रहे हैं, पीछे सफ़ेद कीड़े हो रहे हैं, या थोड़ा सा आप नीम ऑयल का स्प्रे करें ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेकिन अगर बारिश होती है तब आप रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि बारिश में जो है इनके सारे पत्ते वत्ते सफ़ा हो जाते हैं, बिल्कुल भी बीमारियां नहीं रहती, एकदम फ्रेश ग्रीन ग्रीन पत्ते हो जाते हैं इसके। वो फ्रूटिंग स्टेज में है तो आप उसको ज़रूर फर्टिलाइज़र दीजिए। मैं फ्लावरिंग स्टेज में थोड़ा अवॉइड करती हूँ फर्टिलाइज़र, लेकिन फ्रूटिंग स्टेज में मैं ज़रूर देती हूँ। और इनमें जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चलती रहती है साइड बाई साइड, तो 1 महीने पहले फर्टिलाइज़र दिया है अभी, और जब ये कुछ फ्रूट जो इनमें लगी है इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद जो नए फ्लावर्स हैं ये खुल जाएंगे, थोड़ा छोटे फ्रूट बन जाएंगे, तब फिर हम इनको और अच्छे से डीप एक बार फर्टिलाइज़ कर देंगे। उसके अलावा ऐसे आपको बार बार इनमें कोई फर्टिलाइज़र देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर बारिश में जो है इनके पत्ते एकदम खिल जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, और बारिश नहीं आती है तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं थोड़ा पाइप से इनको शावर करती हूँ, थोड़ा मुझे फूलों को पत्तों को थोड़ा सा नहलाना अच्छा लगता है, क्लीन रखना अच्छा लगता है, तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे भी करती हूँ, नॉर्मल पानी से वॉश भी करती हूँ। आपको अगर चीकू प्लांट से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।